हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजयता एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एक्सप्लोर मध्य प्रदेश सीरीज। हम हैं मालवा सल्तनत के कैपिटल मांडू में और यहां के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन जहाज महल कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं। आज का एपिसोड प्लेजर आर्ट एंड साइंस इन द मालवा सल्तनत तीन भागों में बटा है। इसमें हम देखेंगे मध्य भारत के मध्यकालीन मालवा सल्तनत के सबसे शौकीन सुल्तान के द्वारा बनाया गया हरम जिसे जहाज महल कहते हैं, साथ ही तिरछे दीवारों से बना एक यूनिक बिल्डिंग जिसे हिंडोला महल कहते हैं, और मांडू जैसे पठारी इलाके में तरह तरह के वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके जिन्हें एग्जॉटिक बाथटब्स और हमाम्स में इस्तेमाल किया जाता था। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चेक कर लें कि आपने इस चैनल मस्त कलंदर ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लिया है, और जल्दी से इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। फ्रेंड्स, मैंने मालवा और मांडू के इतिहास के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक शेयर कर रही हूँ ऊपर, जरूर देखिएगा। तो महमूद खिलजी के बाद मालवा के चौथे सुल्तान बने घियासुद्दीन खिलजी। ये युद्ध में बहुत माहिर थे और 34 सालों तक जंग मैदान पर ही थे, लेकिन कहा जाता है कि अपने ताजपोशी के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो और लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे और आगे की जिंदगी को भोग विलास, कला और विज्ञान को समर्पित करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर लोकल गाइड, घियासुद्दीन ने फिर बोला कि अगर कृष्ण जी की 16,000 गोपियां हो सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं, और अपनी इसी आरजू को पूरा करने के लिए उन्होंने बनाया ये यूनिक बिल्डिंग जिसे जहाज महल कहते हैं। इसमें एक 110x15 मीटर का ये स्ट्रक्चर है जो दोनों तरफ से आर्टिफिशियल लेक से घिरा हुआ था, जिनमें पानी भर जाने पर ये पानी के ऊपर तैरते एक जहाज की तरह दिखने लगता है। कहते हैं कि इसमें 12,000 औरतें रहती थीं जिनका काम प्लेजर, म्यूजिक, आर्ट, पोएट्री, डिबेट, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि रेसलिंग करना भी था। वैसे घियासुद्दीन औरतों की पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थे और सारंगपुर नामक एक जगह में महिलाओं के लिए एक मदरसा भी उन्होंने बनवाया था। जहाज महल में रहने वाली महिलाएं मध्यकालीन भारत की सबसे काबिल और ताकतवर महिलाओं में से थीं, जिनका इन्फ्लुएंस रॉयल कोर्ट तक में था। इस हरम का जिक्र मेडिवल टेक्स्ट जैसे कि जहांगीर नामा और तारीख फरिश्ता में भी किया गया है। घियासुद्दीन का शासनकाल मालवा सल्तनत के इतिहास का सबसे पीसफुल और स्टेबल टाइम था, लेकिन जब राजा अपनी तलवार टांग देता है तो समझो खतरा ज़्यादा दिन दूर नहीं रहता। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए वीडियो एंड तक देखें और मस्त कलंदर ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है और इसमें कई महल, हॉल्स, बाथ्स और गैलरीज हैं। यहाँ पर होशांग शाह के टाइम से ही कंस्ट्रक्शन शुरू होने लग गया था, पर ज़्यादातर चीज़ों के अब बस रुइंस बचे हैं। जहाज महल ही यहाँ सबसे ज़्यादा साबुत फॉर्म में है, इसीलिए पूरे कॉम्प्लेक्स को उसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जहाज महल का एक मॉडल देख के मुझे लगा कि हमारा MP टूरिज्म का जो रिजॉर्ट था, शायद उसका डिज़ाइन भी इसी से इंस्पायर्ड था। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए प्लीज। आगे चलते हैं हिंडोला महल देखने। फ्रेंड्स, हिंडोला का मतलब होता है स्विंग या झूला, और ये यूनिक स्ट्रक्चर जिसके बाहरी दीवार स्विंगिंग फॉर्म में है, इसका नाम हिंडोला महल रखा गया है। इसके बारे पक्के तौर पे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर अनुमान ये है कि ये भी घियासुद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था और शायद ये दीवाने आम की तरह एक दरबार हॉल रहा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मालवा आर्किटेक्चर के तीन मेन फीचर्स हैं, सिंप्लिसिटी, बोल्डनेस और वेल प्रोपोर्शन, और इस नज़रिए से हिंडोला महल मालवा आर्किटेक्चर का बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है। आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे यहाँ के रूलर्स ने इस पठारी क्षेत्र में अपनी ज़रूरत और शौक दोनों के लिए पानी को किस तरह प्रिजर्व और इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये है चंपा बावली, यहाँ के बचे हुए मेन वाटर टैंक्स में से एक। कहते हैं कि इसके पानी से उस समय चंपा के फूलों की महक आती थी, इसीलिए इसका नाम चंपा बावली रखा गया।
चंपा बावली के बगल से ही तहखाने का रास्ता है, जहां लोग ज्यादा गर्मी के मौसम में रिलैक्स करने को आते होंगे, क्योंकि ये पानी के असर से ठंडा रहता था। इसी के बगल में नालियों से कनेक्टेड कई सारे बाथटब्स और एक बेशुमार टर्किश हमाम है, जिसमें ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था थी और जिसके गुंबद में स्टार्स के शेप कटे हुए थे, एक स्टारी फीलिंग देने के लिए। इमेजिन करिए जहाज महल, जहां हजारों खूबसूरत महिलाएं रहती थीं, वहां ऐसे कई खूबसूरत बेदिंग एरियाज। ये जगह सचमुच में विलास के चरम पे था। चलिए अब जानते हैं घियासुद्दीन खिलजी के साथ क्या हुआ। सो मालवा का सुल्तान बनने के बाद जब घियासुद्दीन ने अपने सल्तनत की मिलिट्री से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो उसने अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन को इंचार्ज बनाया। नसीरुद्दीन बॉर्डर सिक्योरिटी और छोटे मोटे बैटल्स में लगा रहा, और इधर घियासुद्दीन ने अपने छोटे बेटे को अपना वारिस घोषित कर दिया। जाहिर सी बात है कि नसीरुद्दीन ये सब चुपचाप तो होने नहीं देते, तो मेडिवल दुनिया के तौर तरीकों के अनुसार वो मांडू आए और अपने भाई के साथ उसके वफादारों को जान से मार दिया। अपने शौकीन मिजाज पिता को बेख्तियार कर वे खुद मालवा के तख्त पर बैठ गए। कुछ समय बाद घियासुद्दीन की जहर खाने से मौत हो गई। कुछ ही समय में जहाज महल में रहने वाली ज्यादातर औरतों को भी मार दिया गया। घियासुद्दीन खिलजी की एक और लेगेसी है, जिसका नाम आयरोनिकली नीमत नामाई नसीरुद्दीन शाही है। ये एक अनोखा इलस्ट्रेटेड मेडिवल बुक ऑफ रेसिपीज है, जिसमें मालवा के रसोई के सीक्रेट्स तो लिखे ही हैं, पर साथ में रॉयल लाइफ के मिनिएचर पेंटिंग्स भी किए हुए हैं। मजे की बात ये है कि जितने भी पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, उन सब में सिर्फ सुल्तान ही एक मर्द है, बाकी सब, चाहे वो खानसा में हो या फिर सुल्तान के साथ शिकार पे जाने वाले साथी या उनके साथ बैठकर खाने वाले लोग, सब महिलाएं हैं। ये किताब घियासुद्दीन के मौत के बाद कंप्लीट हुई थी, इसीलिए नसीरुद्दीन ने इस पे अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन असल में ये सब जानते हैं कि एक किस सुल्तान की लेगेसी है। नीमत नामा का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा है। दोस्तों, इसी के साथ हम आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। आज आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी, और घियासुद्दीन और नसीरुद्दीन के बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज कमेंट करके बताएं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें मांडू के सबसे फेमस लेजेंड द लव स्टोरी ऑफ रूपमती एंड बाज बहादुर की चर्चा होगी। बाय।